हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवरग्रीन गार्डन। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी गार्डनिंग? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और गार्डनिंग भी एकदम मस्त चल रही होगी। तो वीडियो की शुरुआत में मैं यहाँ पर दिखाना चाह रही हूँ ये छोटा सा भंवरा जो गार्डन में घूम रहा है, साथ ही ये चिड़िया जो फूलों का रस ले रही है। इसके अलावा हमारे गार्डन में आते बहुत सारे मेहमान जो कि हमें लगते हैं बहुत ही अच्छे, जैसे कि भंवरे, तितलियाँ, चिड़ियाँ, गिलहरियाँ, ये सभी बहुत ही आकर्षक और मोहक होते हैं, है ना? और इनसे हमारा गार्डन बनता है और भी ज्यादा खूबसूरत। लेकिन गार्डन से पहले हम चलते हैं किचन में। क्यों, आज कुछ कुकिंग करनी है? अरे नहीं, आज हम लाएंगे किचन से कुछ बीज जो कि हमें गार्डन में उगाने हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं धनिया और मेथी के बीज, अलग कुछ भी नहीं है, साबुत मेथी और साबुत धनिया, बस इन्हीं का इस्तेमाल करके हम इन्हें उगाने वाले हैं। सर्दियों का मौसम आ गया है तो ये हरी हरी सब्जियाँ हमारे गार्डन में तो होनी ही चाहिए। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे फ्री में बिना पॉट के हम इन्हें अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। मेथी को तो हम एज इट इज रहने देंगे, लेकिन जो धनिया है उसे हल्का सा क्रश कर लेंगे। क्रश करने के लिए किसी भी भारी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सिलबट्टे का ये बड़ा सा पत्थर ले लिया है और इसी से हल्के हाथों से हमें इन्हें क्रश करना है। बहुत ज्यादा नहीं, वरना बीज टूट जाएंगे और खराब हो जाएंगे। सिर्फ इसके दो अलग अलग भाग हो जाने चाहिए, इस तरह से इसे क्रश करना है। धनिया के बीज खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, घर में जो धनिया रखा होता है उसी से आप इसे ग्रो कर सकते हैं। बस धनिया एकदम फ्रेश होना चाहिए। इसे क्रश करने के बाद हम एक बोल में इस तरह से निकाल कर अलग रख लेंगे। और अब एक ट्रिक जिससे कि हम इन्हें उगा सके बहुत जल्दी। धनिया के बीज को जर्मिनेट होने में कुछ समय लगता है, ये नेचुरली ही है, मतलब इन्हें 8 से 10 दिन जर्मिनेट होने में लगते हैं। लेकिन हम इन्हें थोड़ा जल्दी जर्मिनेट करने के लिए इसे ओवरनाइट पानी में सोख करके रखेंगे। तो दोनों को मैं अच्छी तरह से पानी में डुबो दूंगी और इसे ओवरनाइट के लिए ढककर छोड़ दूंगी, इससे इसमें अंकुरण यानी जर्मिनेशन जल्दी होगा। तो इन्हें रख देते हैं अब उठाकर, अब मिलेंगे कल। और यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ गार्डन में। गार्डन में ऑलरेडी सारे गमले भरे हुए हैं, कहीं पर भी इतनी सी भी जगह नहीं है। कुछ गमलों में थोड़ी बहुत जगह थी, वहाँ भी मैंने विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स लगा दिए। तो अब धनिया और मेथी कहाँ उगाएंगे? बिल्कुल भी टेंशन ना ले, मेथी और धनिया बहुत ही कम मिट्टी में ग्रो हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत छोटी होती हैं, तो इन्हें बहुत ज्यादा गहराई वाली मिट्टी की जरूरत नहीं होती है। मैंने ईंटों पर इस तरह की दो बड़े बड़े पत्थर वाली फर्सियां रख दी हैं। इन पर जो पुराने टायर्स थे उन्हें सेट कर दिया है और अब इन टायर्स में मैंने मिट्टी डाल दी है, तो अब जगह की जो कमी थी वो भी पूरी हो गई। इन टायर्स के बीच भरी हुई मिट्टी में हम अपनी जो सब्जियां हैं उन्हें ग्रो करेंगे। ये मिट्टी मैं खेत से लेकर आई हूँ। धान के बाद जब गेहूं चने की नई फसल उगाने के लिए खेतों को हल या जोत दिया जाता है, उसके बाद बड़ी बड़ी मिट्टी इस तरह से मिली मुझे। तो इन्हें प्लेन करने के लिए मैं एक दिन पहले ही इसे इस तरह से पानी डालकर प्लेन कर दूंगी। तो मिट्टी भी तैयार है और अगले दिन हमारी ये जो सब्जियों के बीज थे, मेथी और धनिया, ये भी तैयार है। धनिया में जर्मिनेशन लेट होता है, लेकिन मेथी में बहुत ही जल्दी होने लगता है। तो यहाँ जो मेथी के बीज है इसमें कहीं कहीं छोटे छोटे अंकुरण दिखाई देने लगे हैं। धनिया को अभी समय लगेगा। दोनों ही बीज मैं उठाकर ऊपर ले आई हूँ और अब मिट्टी चेक करते हैं। देखिए, यहाँ पर मिट्टी भी इवन हो गई, जो बड़े बड़े ढेले इसमें थे वो बराबर हो गए हैं। मैंने फिर से इसमें हल्का सा पानी छिड़क दिया है और उसके बाद एक रॉड की हेल्प से हम इस तरह से इसमें कुछ लाइंस बना देंगे जिसमें कि हम बीजों को बोएंगे। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि गार्डनिंग एक महंगा शौक है, लेकिन हम अपनी तसल्ली के लिए इसे बहुत सस्ता भी कर सकते हैं। बस चाहिए थोड़ी सी जुगाड़ और थोड़ा सा नॉलेज। और घर की जरूरत के लिए आप बहुत सारी चीजें घर पर ही उगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने पतली पतली लाइंस बनाई थी मिट्टी साइड करके, तो उन लाइंस में अब हमें मेथी के बीज बोने हैं। मैं चम्मच की हेल्प से ही इसे इस तरह से फैला रही हूँ। मेथी को थोड़े इस तरह से बोना है कि इसके बीज बहुत ज्यादा दूर नहीं लगाते हैं हम, ये हमें बंचेस में मिल जाएंगी। आप चाहें तो बीजों को थोड़ा सा और फैलाते हुए इसे डाल सकते हैं। इसी तरह से सभी लाइंस में इसे डाल देंगे और साइड पर जो एक्स्ट्रा मिट्टी है उसे हम इससे कवर कर देंगे। तो देखा आपने, पुराने घर में पड़े हुए जो टायर्स थे उसका इस्तेमाल हम यहाँ पर सब्जियाँ उगाने के लिए कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर पत्थर पर इन्हें रखकर इस्तेमाल किया है। यदि आप डायरेक्ट छत पर इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले नीचे एक पॉलीथीन डाल दें और उसके ऊपर टायर रखकर फिर इसका इस्तेमाल करें। पहले पॉलीथीन डली रहेगी तो पानी मिट्टी में ही एब्जॉर्ब होगा और छत से लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होगी।
मैंने पत्थर पर रखा है, इसलिए मैंने इसमें पन्नी का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे की तरफ बह जाएगा और छत खराब होने का सवाल ही नहीं उठेगा। मिट्टी भी मैं अपने आसपास से, किसी गार्डन से, रोड साइड से या फिर खेतों से ले आती हूँ। ये मिट्टी खेत की थी इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल ऐसे ही कर लिया। अदरवाइज आप इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि रेत, कंपोस्ट, कोकोपीट, पेस्टिसाइड जैसी चीज़ें मिला सकते हैं। और बस मेथी को सब तरह से इस तरह से हमें कवर कर देना है ताकि गिलहरियाँ और पक्षी इन्हें खा न जाए और इन्हें जर्मिनेशन के लिए एक बेस मिल जाए। यदि आपके गमलों में किनारों पर जगह है तो आप वहाँ पर भी इसे ग्रो कर सकते हैं। बहुत कम समय की फसल होती है और बहुत जल्दी इसमें हार्वेस्टिंग भी मिल जाती है। पानी आप इसमें बीच बीच में छिड़कते रहिए। जब भी लगे कि मिट्टी ड्राई हो रही है आप हल्के हाथों से इस पर छींटे मारते हुए पानी डाल सकते हैं या फिर स्प्रे कर सकते हैं। मेथी के बीजों को पूरी तरह से कवर कर देना है जिससे कि कहीं से भी बाहर दिखाई ना दे। इसके लिए आप चाहें तो सूखी मिट्टी की एक लेयर इस पर डाल सकते हैं और जब मिट्टी से पूरी तरह से कवर हो जाएगा उसके बाद हम इस पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे। मेरे हाथों में मिट्टी लगी है, मैं हाथों को धोते हुए ही इस पर पानी छिड़क दूंगी। और इस तरह से हमने उगा दी है यहाँ पर मेथी। और अब दूसरे साइड पर जो टायर रखा है उसमें हम उगाएंगे धनिया। धनिया भी सेम तरीके से ही उगाएंगे। पहले टायर्स में किसी रॉड की हेल्प से लाइंस बना लेंगे। धनिया और मेथी बोने के बाद जो बीच का हिस्सा है यहाँ पर आप लहसुन भी उगा सकते हैं। लहसुन की कलियों को इस पर लगा दीजिए और आपको ताज़े ताज़े लहसुन की हरी पत्तियाँ मिल जाएंगी। मैं धनिया के बीजों को भी इसी तरह से छिड़कते हुए लगा रही हूँ ताकि बीज एक ही जगह पर इकट्ठे ना हो सके। और इस तरह से सारी तरफ बीज डालने के बाद इसे भी हम ये जो साइड में एक्स्ट्रा मिट्टी है उससे कवर कर देंगे। धनिया के बीज जर्मिनेट होने में कम से कम 8 से 10 दिन लगते हैं और धनिया हार्वेस्ट करने के लिए आपको 30-40 दिन लगेंगे, जबकि मेथी बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाती हैं। इन्हें जब हम घर में लगाते हैं तो जड़ों से उखाड़कर इस्तेमाल न करते हुए सिर्फ ऊपर से हम कट करते रहेंगे और बार बार इनसे हार्वेस्टिंग लेते रहेंगे। बचे हुए बीजों को मैं गमलों के साइड पर जितनी स्पेस है वहाँ पर ग्रो करूँगी। और अब यहाँ भी मैंने अच्छी तरह से बीजों को डाल दिया है तो इस पर भी पानी डाल दूँगी। वैसे तो यहाँ मिट्टी गीली थी फिर भी थोड़ा सा पानी जरूर छिड़क दूंगी। और बस इस तरह से फ्री में घर में किचन से जो मिलने वाले बीज थे उसी से हमने यहाँ पर उगा दी है धनिया और मेथी। और यहाँ पर गार्डन में लगे हैं बहुत सारे फूल। देखिए बटरफ्लाइज अभी भी यहाँ घूम रही हैं। इन्हें गार्डन की खूबसूरती बहुत ही अट्रैक्ट करती है और ये गार्डन में इसी तरह घूमती रहती है। तो दोस्तों धनिया और मेथी उगाने का ये तरीका आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आप भी अपने गार्डन में, छत पर, गैलरी में, जहाँ भी थोड़ी बहुत भी जगह हो इस तरह से छोटे छोटे से पौधे अपने घर में ग्रो जरूर कीजिए और अपनी जरूरत की चीजें अपने घर पर उगाइए। इन्हीं विचारों के साथ मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नए प्लांट, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।